हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज देखे तो निफ्टी 70 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, वीकली एक्सपायरी का दिन। तो 5 मिनट का चार्ट आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। कल जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, आप देख सकते हैं जहाँ पर हम लेवल्स को मार्क करते हैं उसी के आसपास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता है। तो हमने देखा सुबह ये ओपन हुआ फर्स्ट टारगेट के पास ही, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ब्रेकआउट लेवल ने पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, बाद में फ्लैट हुआ मार्केट, और जैसे ही एक बड़ी कैंडल ने इस ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट के पास ही आज का हाई लगा दिया है, और क्लोज देखिए कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट का लेवल था उसी के आसपास आके ये क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट उधर ही। तो अच्छे से काम करते हुए नजर आए जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, अभी कल के लिए के इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। डेली चार्ट को अगर देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, अगर आप कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं हमें तो आपको पता होगा। तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, 2, 3 और 4 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। अभी यहाँ पर आज 2G पैटर्न हुआ है। 2G यानी जब भी अप ट्रेंड या बाउंस बैक या फिर डाउन ट्रेंड में ये 2G पैटर्न आता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का इसको सिग्नल माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ सिग्नल है। कन्फर्मेशन के लिए इसका हाई ऊपर की तरफ या फिर लो नीचे की तरफ टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए कंफर्टेबली, तो हम इसे ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं। तो फिलहाल 2G आने के लिए, 2G आने के बाद यहाँ पर सिग्नल है कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जायज नहीं है कि यहाँ से टोटली डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर हमें अप ट्रेंड देखना है तो ये जो बड़ी कैंडल है 22,000 के आसपास, इसको ब्रेक करना काफी जरूरी है, तो निफ्टी में हम नए हाईज देख सकते हैं। तो फिलहाल ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता, नीचे इसके क्लोज नहीं होता और रेड कैंडल नहीं बनती, तब तक ये जो निफ्टी का ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिलहाल ये डेली चार्ट का सिनारियो है। 2G कैंडल आज फॉर्म हुआ है, चलते 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। कल के लिए देखिए हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड आज के हाई के जस्ट ऊपर, 21,963, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 21,985 और सेकेंड टारगेट होगा 22,008। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल बन रहा था 60 मिनट के चार्ट का, 21,858, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 21,838 और सेकेंड टारगेट होगा 21,814, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कल के जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, सुबह ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के जस्ट नीचे, नीचे आया ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ और ऊपर की तरफ एक हमें ट्रेंड देखने को मिला। तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। अभी चलते 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर, 46,341, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 46,440 और सेकेंड टारगेट होगा 46,534, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा 46,054। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 45,955 और सेकेंड टारगेट होगा 45,856, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।